हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि ब्लॉगर में आपका स्वागत है। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। अभी शाम के 5 बजे हैं और हम अपने होम नगर गोचर में हैं। शाम का समय है और गोचर के सुनहरे नज़ारे, मौसम भी यहाँ आज बदला सा है। देखिए यहाँ हमारे गोचर के इलाके में धान की फसल भी रोपाई हो चुकी है और क्या हरियाली है, क्या यहाँ के सुंदर नज़ारे हैं। 2-3 दिन से यहाँ बारिश हो रही थी, पर आज 2 दिन से मौसम ठीक है, धूप निकल रखी थी। आज भी बादल, घने बादल आ रखे हैं, छा रखे हैं। ये देखिए, ये हमारा गोचर है, यहाँ हमारा जो है, और ये देखिए चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ एक छोटा सा प्लेन इलाका है, जिसे गोचर कहते हैं। और ये गोचर की हवाई पट्टी है, देखिए दोस्तों, ये गोचर की हवाई पट्टी है, ये तारबंदी गोचर की। और सामने उस साइड में मेरा घर पड़ता है सामने, ये देखिए दोस्तों। अभी हम शाम के वॉकिंग के लिए निकले हैं, साथ में हमारी मैडम भी हैं। और ये देखिए यहाँ का नज़ारा, ये गोचर हवाई पट्टी है दोस्तों। अगर केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए यहाँ से हवाई जहाज़ में जाना, तो यहाँ से हवाई सेवा शुरू होती है। आगे हेलीकॉप्टर भी खड़ा है, चलो हम आपको आगे जाके हेलीकॉप्टर दिखाते हैं। देखो दोस्तों, गोचर का एरिया है, हवाई पट्टी का एरिया, यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी खड़ी है। ये देखिए दोस्तों, गोचर की हवाई पट्टी। चलो हम और नज़दीक जाके जहाज दिखाएंगे आप। देखो दोस्तों, बॉडी लॉग भी आ गई हैं घूम के हमारी बॉडी लॉग घूम के आ रही हैं। देखिए दोस्तों, हवाई जहाज भी बैठा है यहाँ पर एक, और देखिए अभी हम और नज़दीक जाके दिखाएंगे आपको, अभी तो दूर से है ये। ये देखिए, ये देखिए, ये बैठा है हेलीकॉप्टर। देखो दोस्तों, ये जहाज खड़ा है यहाँ पर, हेलीकॉप्टर। ये देखिए दोस्तों, हेलीकॉप्टर खड़ा है, हवाई पट्टी तो इसमें हेलीकॉप्टर बैठा है। और नज़दीक चल के दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, हेलीकॉप्टर खड़ा है यहाँ पर, तो बढ़िया हेलीकॉप्टर है। देखिए दोस्तों, कैसे ट्रेन आ रही है वो यहाँ से गोचर में, यहाँ से सुरंग बन रही है, यहाँ से घुसेगी अंदर और ये कालेश्वर शिवाई में निकलेगी। देखो काम बड़े जोर शोर से चल रहा है और इन पहाड़ियों के बीच से नीचे से अंदर ही अंदर सुरंग निकलेगी, इस पहाड़ी के बीच से और इस पहाड़ी के बीच से, और तब जाएगी कर्णप्रयाग शिवाई के लिए। ये रेलवे एरिया है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आते हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।